बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो क्यों ना आज हम चाइनीज़ ट्राई करते हैं, वो भी पोटैटोज। चाइनीज़ जो डिशेस होती हैं, घर में मौजूद पोटैटो से हमने डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट यूनिक स्टाइल में एकदम चाइनीज़ ट्राई करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। जी तो मैंने लिए हैं 2 पोटैटोज लिए हैं, और कद्दूकश की मदद से इसमें जो स्लाइसर्स होते हैं उसी के ज़रिए मैंने बारीक बारीक दोनों पोटैटोज को स्लाइस में कटिंग कर लिया है। देख लें आप कितना आसान है करना। जी ये मैंने कर लिया है, और आप इनको 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखें। इनको अच्छी तरह से वॉश करें और इनका पानी चेंज करके साइड पर रख दें। फिर इसके अलावा मैंने दूसरी रेसिपी के लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने फ्राइज़ की स्टाइल में मैंने कटिंग करनी है, और उनको इसी के आगे कद्दूकश के आगे जो जिगजैग स्टाइल में एक कटर लगा हुआ होता है उसके ज़रिए मैंने ये जिगजैग अपने फ्राइज़ कटिंग कर ली हैं। ये हमारी दूसरी रेसिपी के लिए है जिसका नाम है पोटैटो चिली सॉस। उसमें हमने पोटैटोज़ ऐड करने हैं, चिकन नहीं ऐड करना। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, वो ध्यान से देखिएगा। इनको भी मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह से पहले वॉश करके फिर इसको भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देना है, 10 मिनट के लिए रख दें। चलिए अब हमारे आती है प्रिपरेशन की तैयारी। सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर 2 गिलास पानी रखा, और उस पर मैंने जो श्रेडेड हमारे पोटैटोज थे उनको मैंने एक जाली की छलनी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला दिया। थोड़ा सा गैप हमने बीच में छोड़ना है स्टीम के लिए, हमने इन सबको स्टीम करना है। ये हमारे 2 पोटैटोज हैं। टोटल हमने 1 केजी पोटैटोज लिए हैं, जिसमें मैंने 4 डिशें बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करनी है। ये हमारी पोटैटो चाउमीन की तैयारी हो रही है, जिसमें मैंने पोटैटोज़ को स्टीम के ज़रिए से उसको हाफ कुक कर लेना है। चलिए मैंने इसे देखिए, मैंने इसको हाफ कुक कर लिया है। आप एक इसका पोटैटोज का एक पीस लें और उसको दबाकर देखें, वो अच्छी तरह से 2 पीस में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पोटैटोज गल चुके हैं। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, ठंडे पानी में हमने रिंस आउट करना है पानी को, और इनको साइड पर रख देना है। अब हम दूसरी चीज़ तीसरी डिश की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें मैंने वही श्रेडेड पोटैटोज लिए हैं, ये भी 2 पोटैटोज हैं। इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था, उसका पानी निकाल कर इसको मैंने अंदर डालना है। 1 स्पून कॉर्नफ्लावर डालना है, 1 स्पून ग्राम फ्लावर जो हमारा होता है बेसन होते हैं, 1/2 स्पून हमने डालना है रेड चिली पाउडर डालना है, और 1/2 टी स्पून हमने साल्ट डालना है, और इसके अलावा इसको फिर हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, और मैंने 1/4 जो होता है टी स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया है, और उसकी अच्छी तरीके से हमने मिक्स करके इसको भी साइड पर रख देना है। फिर हमारी चौथी डिश की प्रिपरेशन आती है। उसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, और 1 स्पून मैंने शुगर इसके अंदर ऐड की। 3 चीज़ों से बनेगा ये, बहुत मज़े की डिश बनती है। चलिए अब हम अपने सब चीज़ों को कुक करना स्टार्ट करते हैं। चलिए 1, 2, 3 स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून जो है कुकिंग ऑयल लेते हुए इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। ये मैंने बनाना है जी कल बनाने, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन करें जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो उसको मैंने जो मैंने मिक्सर बनाकर रखा हुआ था, जिसमें मैंने चीनी चिकन पाउडर और अपना ये ब्लैक पेपर डाला था, उसको मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया। उसको टैपिंग आप चाहे हाथ से करें, चाहे आप इसके के ज़रिए से आप कर लें, और अच्छी तरह से आपने इसको टैप करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, जब ये कुक हो जाए तो आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और उसको अच्छी तरीके से कुक होने के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाना है, और ये आपके एक रोल की शक्ल में आपके सामने एक डिश बनकर तैयार हो जाएगी, जो बहुत मज़े की बनती है। और इसी तरह आपने सब रोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, या जितना आपने साइज़ का रखना है उस पार्ट में आप डिवाइड करते हुए आप इसको 3 रोल्स आप बनाकर
एक प्लेटर में निकाल लें। लुक वाइज ही बहुत मज़े के लग रहे हैं। और अब हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाला है 200 ग्राम के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला, इसको गर्म होने के लिए रख दिया। और मैंने एक चम्मच की मदद से, जालीदार चम्मच या आपके पास फ्लैट चम्मच कोई भी हो, उसके ऊपर मैंने जो बेसन वाले जो हमने मिक्सर तैयार किया था उसको गोल शेप में तैयार करते हुए फ्राई कर लेना है। ये हमारे होते हैं सुपर क्रिस्पी पोटैटोस, पकौड़ा टाइप हम कह सकते हैं कि वो बन गए हमारे। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। फ्लैट आपके होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए बीच से, आपने बिल्कुल इसको फ्लैट स्लिम आपने पकौड़ा बनाना है, ठीक है। ये डाइटिंग पे है हमारे पकौड़े, मोटे नहीं हैं, ये हमारे स्लिम पकौड़े कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। और ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह मैंने सबको निकाल लिया। अब हमारी चौथी रेसिपी आती है जी, बहुत ही मज़े की जिगजैग, जो मैंने फ्राइज कटिंग करके रखे थे उनको मैंने बॉयल कर लेना है। और फिर इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने उसको साइड पे रख देना है बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ हम अपनी तीसरी डिश की तैयारी कर लेते हैं, जो हमारे पोटैटो चाउमीन है। ये देखें सबसे पहले मैंने 1 स्पून ऑयल के अंदर 1/2 स्पून गार्लिक ऐड किया है, उसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने 1/2 ऑनियन ऐड किया है, उसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कैरेट ऐड करनी है, कैरेट हमने ज़्यादा डालनी है इसके अंदर। और 1/2 कैप्सिकम हमारा जाएगा इसके अंदर, उसको हल्का सा आपने कुक कर लेना। इसके अंदर है हमारी साल्ट है, ब्लैक पेपर है और चिली फ्लैक्स है, सब 1 टीस्पून है सबकी क्वांटिटी। तो इसी तरीके से हमने इसको हाई फ्लेम पर सबको हमने कुक करना है। और जो हमारे बॉयल स्टीम पोटैटोज थे, बॉयल नहीं स्टीम करना है आपने इनको, उनको हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से इनको टॉसिंग करना है, मिक्स वेल करना है अच्छी तरह से। और ये हमारी चाउमीन की प्रिपरेशन है। इसके बाद हमने डालना है इसमें रेड चिली सॉस डालना है, विनेगर डालना है और सोया सॉस डालना है। सबकी क्वांटिटी 1/1 स्पून होगी, ठीक है जी। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें और बहुत ही मज़े की आपकी चाउमीन तैयार है, होममेड, ठीक है जी। चाइनीज़ आपकी चाउमीन है, पोटैटो चाउमीन जो आपने कभी नहीं खाई होगी, यकीन कीजिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। चौथी रेसिपी हमारी आ गई है। इसमें हमने जो हमारे पोटैटो जिगजैग शेप के थे उनको मैंने बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद उनको ठंडा होने के बाद फ्राई किया है। उसमें कुकिंग ऑयल मैंने पहले चढ़ाते हुए इसके अंदर मैंने फिर ये अपने फ्राइज को अच्छी तरीके से हाफ कुक होने के बाद मैंने निकाल लेना है बाहर। फिर ये जब ठंडी हो जाएंगे 10 मिनट के बाद मैंने इनको फिर दोबारा से कुक करना है और फिर मैंने इनको फुल कुक करना है। ये हमारी आती है पोटैटो चिली सॉस की तैयारी हो रही है, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें आप, लाइट गोल्डन कलर कर लें, बहुत बेस्ट रहता है। और ये हमारी फ्राइज तैयार हो चुके हैं, इनको हमने सेपरेट निकाल लेना है। ये देखें, चलिए जी हमारा ये काम हो चुका है। अब हमने करना है पोटैटो हॉट चिली सॉस की तैयारी। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून को ऑयल को लिया, उसको स्प्रेड करते हुए उसके अंदर 1/2 टीस्पून गार्लिक डालना है जी। उसके बाद फिर हमने डालना है इसके अंदर 1/2 जो हमारी कैप्सिकम थी, 1/2 ऑनियन है और 1/2 ही हमारी कैरेट है, उनको हमने कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देना है। उनको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, फ्लेम हमारी हाई रहेगी। फिर इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है, चिली फ्लैक्स, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली मैंने 1 स्पून मैंने टीस्पून मैंने ऐड किया है। और ये मैंने ऐड किया जी चिली सॉस 1 टीस्पून ऐड किया है, विनेगर 1 टीस्पून ऐड किया है और सोया सॉस भी 1 टीस्पून ऐड किया है। और ये हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो रही है। 2 स्पून मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है, फ्लेम आपकी हाई ही रहेगी। और इसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, उसको मैंने मिक्सर बनाकर साइड पे रख लिया है। और अपने मिक्सर में मैंने क्या ऐड किया है, ये हमने पोटैटो जो फ्राइज करके रखे थे उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फ्लेम आपकी हाई रहेगी क्योंकि इसका मकसद होता है कि आपकी चीज़ें एक्स्ट्रा कुक ना हो जाएं, इसलिए हम अपने हाई फ्लेम पर अपनी चाइनीज़ जितने भी आइटम होते हैं हम बनाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए फिर कॉर्नफ्लावर इसके अंदर मैंने ऐड किया, 1/2 करके मैंने अभी ऐड किया है और 1/2 मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने देखनी है कितनी हमें चाहिए, मैंने ये फिर पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, आप देख सकते हैं।
और इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 2 स्पून वाटर ऐड करते हुए इसको अच्छी तरीके से मिक्स वेल कर लेना है। और आपके 2 स्पून मैंने इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करना है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और ये हमारा टोमेटो केचप इसके अंदर जा रहा है। फिर मैंने इसके अंदर 1/4 या 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर ब्राउन शुगर जो होती है उसको पेस्ट फॉर्म में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दैट्स इट, हमारी ये रेसिपी भी कुक हो चुकी है। अब हमारा आता है प्रेजेंटेशन का टाइम। वो बहुत ही ये क्या कहते हैं, एक्साइटेड करते हैं मुझे भी और आप लोगों को कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। ये देखें, तीनों आइटम माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही लजीज बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ये आपके सामने स्वीट पोटैटो सर्कल जो है बहुत ही लजीज बने हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना भी बहुत आसान है। फिर इसके दूसरे नंबर पे हमारा आता है पोटैटो चाउमीन आती है, जो डिफरेंट रेसिपी है, एकदम यूनिक रेसिपी है। और ये हमारी आती है, और ये हमारी सुप्रीम सुपर रेसिपी आती है पोटैटो चिली सॉस, बहुत ही मज़ेदार। और हमारे 4th पे आती है हमारे पोटैटो सर्कल आते हैं, स्पाइसी एंड क्रिस्पी, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये तीनों रेसिपी एक से बढ़कर एक हैं, मतलब कि वन बीटेबल नहीं है, हर चीज़ अपने जगह पर बहुत ही सुपर है। आप कोई भी रेसिपी इनमें से उठाएं और इसमें से बनाकर एंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी सब रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ेदार लगेगी, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आपने जब भी कोई भी रेसिपी ट्राई करनी है तो मुझे उसकी तस्वीर या पिक्चर आप खींचें और मुझे मेरे चैनल पर फीडबैक करें उसको। और अगर आपने कोई रेसिपी बनवानी है मेरे चैनल के थ्रू, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी चाइनीज़ रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे मैंने प्रॉन्स बनाए हैं लुक वाइज, और ये टेस्ट में भी इतने ही मज़ेदार हैं, यकीन करें। तीनों चारों रेसिपियाँ मेरी बहुत मज़ेदार मज़े की बनी हैं। ओके गाइज, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाहौर देखावे LDK को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, ओके फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।